गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड के करैक्टर क्या होते हैं, और फिर हमने डिस्कस किया था कि अरेंजमेंट के आधार पर जो सॉलिड होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अमॉर्फस सॉलिड। हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड के क्या क्या लक्षण या करैक्टर हो सकते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि भाई सॉलिड जो होना चाहिए वो हार्ड होगा, उसके अंदर नेग्लिजिबल अमाउंट में कॉम्प्रेसिबिलिटी होगी, यानी कि वो लगभग असंपीड्य होगा। सॉलिड जो होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी पार्टिकल के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग आकर्षण की वजह से पार्टिकल एक दूसरे के पास होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं, यानी एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। जब पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं तो उसे क्लोज पैकिंग बोला जाता है। तो ये सॉलिड का करैक्टर भी था कि सॉलिड के अंदर जो है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके अलावा भी कुछ और करैक्टर हम लोगों ने सॉलिड्स के देखे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड जो है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की व्यवस्था के आधार पर सॉलिड जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते थे। पहला एक क्रिस्टलाइन सॉलिड था और दूसरा जो सॉलिड था वो अमॉर्फस सॉलिड था। आपको तो पता ही है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर पार्टिकल का एक फिक्स रेगुलर अरेंजमेंट होगा, जबकि अमॉर्फस सॉलिड के अंदर पार्टिकल की अरेंजमेंट में कोई भी रेगुलरिटी नहीं होगी। क्रिस्टलाइन सॉलिडों के अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर दीर्घ परासीय व्यवस्था होती है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड के अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर लघु परासीय व्यवस्था होती है। फिर हमने आपसे कहा था कि भाई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो एकदम फिक्स होगा, जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते, वो टेम्परेचर की एक रेंज के अंदर ही मेल्ट होते हैं। उसके बाद फिर हमने आपसे कहा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका कूलिंग कर्व यानी शीतलन का जो वक्र बनता है वो स्मूथ नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनका जो शीतलन का वक्र होता है, कूलिंग कर्व होता है, वो कंटिन्यूअस होता है, स्मूथ होता है। उसके बाद फिर हमने कहा था कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी विषम दैशिक प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं सम दैशिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो हमने इस तरह से कुछ एक करेक्टर्स भी देख लिए थे। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि हम इस तरह से लैंग्वेज को रखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट समझ सके, ठीक है? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप किसी भी मीडियम के हो आपको लैंग्वेज संबंधी परेशानी नहीं आएगी। तो अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, उनके नेचर के आधार पर या फिर उनके बीच लगने वाले अट्रैक्शन के फोर्सेज के आधार पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में? चार कैटेगरी में। यानी मेरे कहने का मतलब है कि हम बात करें टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, तो हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन देम, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज। ये चार कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, उसमें से सबसे पहली कैटेगरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड ये चार तरह के होते हैं। पहला आयोनिक सॉलिड है, अगला जो है दूसरे नंबर पर वो हम मेटालिक सॉलिड लेंगे,
और तीसरा जो होता है वो कोवलेंट सॉलिड होता है, और चौथा जो होता है वो मॉलिकुलर सॉलिड होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के नेचर के आधार पर और उनके बीच की बॉन्डिंग्स या उनके बीच के अट्रैक्शंस के आधार पर चार तरह के होते हैं। उसमें से सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आयनिक सॉलिड। अब देखो, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस करते समय हम कुछ एक पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला तो ये होगा कि हम ये देखना चाहेंगे कि उस सॉलिड के अंदर, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो किस तरह का है, वो एटम है, मॉलिक्यूल्स है, आयन है, वो क्या है, ये चीज हम देखना चाहेंगे। दूसरा हम लोग देखना चाहेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बना हुआ है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो किस टाइप के हैं, वो किस तरह के हैं, वो आयनिक टाइप के हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है, इस तरह के किस तरह के जो है उनके बीच में आकर्षण है, ये चीज हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग इनके कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे कि भाई इनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है या लो है, ऐसे कुछ करेक्टर्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला उसमें हम देख रहे हैं आयनिक सॉलिड यानी आयनिक ठोसों की बात कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखो कि आयनिक सॉलिड जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बताओ जरा इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होंगे, अरे भाई नाम से पता चल रहा है आयनिक सॉलिड, दैट मीन्स इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, आयंस होंगे। और आप तो जानते ही हैं आयंस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक कैटायन और दूसरा एनायन। यानी आयंस जो होंगे, एक होगा कैटायन जिसे हम लोग धनायन बोलते हैं और दूसरा होगा एनायन। अब आप खुद मुझे बताएं कि कैटायन पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, और एनायन पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। अब अगर एक पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट चार्जेस के बीच में कौन सा आकर्षण का बल लगता है, बताओ जरा। तो अपोजिट चार्जेस के बीच में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो याद रखेंगे हम लोग कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल होते हैं जिन पर अपोजिट चार्ज होता है उनके बीच में हमेशा स्थिर विद्युत आकर्षण लगता है। इसका मतलब आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अभिकर्ण यदि आयंस हैं और वो भी धनायन और ऋणायन, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगेगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होगा। बोलो बात सही है कि नहीं है, अगर उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दृढ़ता से बंधे हुए होंगे, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। और इसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग आयनिक बॉन्ड भी बोल देते हैं। हालांकि आयनिक बॉन्ड को बॉन्ड कहना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होता, क्योंकि ये एक तरह से बॉन्ड नहीं होता। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको NaCl लिखना है, क्या लिखना है, NaCl, तो या तो आप NaCl को इस तरह से लिखें या फिर आप NaCl को ऐसे लिखें Na+ और Cl-। अब इनके बीच में अपने आप कौन सा आकर्षण होगा, स्थिर विद्युत आकर्षण होगा। लेकिन NaCl को इस तरह से लिखना गलत होता है, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन के बीच में
दरअसल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो हम याद रखेंगे कि आयनिक सॉलिड जो है उनके अंदर प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होगा, जिसे नॉर्मली हम लोग आयनिक बॉन्ड कह देते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है, बॉन्ड नहीं होता। नॉर्मली हम लोग बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड उसे कहते हैं जो ओवरलैपिंग से बनता है। यहाँ किसी भी तरह की ओवरलैपिंग नहीं है, ये एक सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आयनिक सॉलिड्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए आयंस, और आयंस के बीच में हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आयन एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। चूंकि ये आकर्षण बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनकी गलनांक और कथनांक की वैल्यू जो होती है वो भी नॉर्मली ठीक ठाक या हाई रेंज में होती है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आकर्षण होता है। अब मैं आपसे एक बात और यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, और वो क्या, मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस तरह की होती है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कंडक्टिविटी के आधार पर हम किसी सब्सटेंस को दो भागों में डिवाइड करते हैं, आइदर इट इज इंसुलेटर और इट इज कंडक्टर, यानी वो या तो कुचालक हो सकता है या वो चालक हो सकता है। हम लोग बात कर रहे हैं इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो जरा ध्यान देंगे आप लोग, मुझे एक बात बताइए कि मान लो जैसे मेरे पास कोई क्रिस्टल है, क्या है क्रिस्टल, चूंकि सॉलिड है तो सॉलिड फेज में होगा, और इस तरह का कोई क्रिस्टल मेरे पास है, ठीक है। अब ये जो क्रिस्टल है, मैं क्या करता हूँ, इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने की कोशिश करता हूँ। कैसे करता हूँ जरा देखो, मान लो मैंने यहाँ से इसको एक वायर से कनेक्ट किया, और यहाँ से भी मैंने इसको एक वायर से कनेक्ट किया, और मैंने कोशिश की कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करूँ, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि देखो, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए जरूरी है कि सब्सटेंस के अंदर चार्ज का फ्लो होना चाहिए। अब जो चार्ज होता है ना, वो या तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में फ्लो हो सकता है या आयंस की फॉर्म में हो सकता है। यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो यानी चार्ज फ्लो होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है और आयंस है और वो भी फ्री है और उनका भी फ्लो होता है, तो भी चार्ज का फ्लो होगा और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। चूंकि हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अभी ये सॉलिड फेज में है, तो इसके अंदर आयंस तो है यानी चार्ज तो है। जैसे मान लो एक ये चार्ज आयन है और एक ये चार्ज आयन है। मैंने मान लिया कि ये वाला आयन जो है पॉजिटिव है, कैसा है पॉजिटिव, और ये वाला आयन जो है वो कैसा है नेगेटिव। आप तो जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब चूंकि ये चार्ज पार्टिकल प्रबल आकर्षण से बंधे हुए हैं, इसलिए इनमें से कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्री मूवमेंट नहीं कर सकता, फ्री मूवमेंट नहीं कर सकता। जब चार्ज फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब आपको एक चीज याद रखनी है, और वो क्या कि सॉलिड फेज में ये इंसुलेटर होते हैं। कैसे होते हैं? इंसुलेटर यानी कुचालक होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। तो ध्यान रखेंगे कि सॉलिड फेज में ये कुचालक होते हैं। हाँ,
लेकिन अगर मैं इसको मेल्ट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, मेल्ट कर देता हूँ या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ले आता हूँ, यानी मेरे कहने का मतलब है कि सपोज दैट मैंने इसको मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके मैंने इसको एक कंटेनर के अंदर रख दिया या फिर इसको मैंने जलीय विलयन में ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ले लिया है। जैसे ही मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में लाता हूँ या इसको पिघला देता हूँ तो ये जो आयन पहले स्ट्रांगली कनेक्टेड थे ये धीरे धीरे फ्री होने लग जाते हैं। जब ये आयन फ्री होते हैं तो मान लो ये पॉजिटिव आयन है और ये कैसा है, नेगेटिव आयन। अब ये आयन एक दूसरे से क्या हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। अगर ये आयन फ्री हो गए हैं और मान लो मैं यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा देता हूँ, जैसा इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है, विद्युत अपघटन में होता है, एक इलेक्ट्रोड में मान लेता हूं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड में मान लेता हूं कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब जैसे ही यहां इलेक्ट्रोड पर चार्ज क्रिएट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, चूंकि आयन फ्री हो चुके हैं तो ये आयन स्पीडली अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे, यानी ये पॉजिटिव तेजी से किस तरफ भागेगा, ये पॉजिटिव तेजी से नेगेटिव चार्ज की तरफ भागेगा और ये नेगेटिव तेजी से कहां भागेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। इसका मतलब इसके अंदर चार्ज का फ्लो होने लगेगा। बोलो बात सही है कि नहीं है। जब इसके अंदर चार्ज का फ्लो होगा, नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर भागेगा, तो फिर विलयन के अंदर आवेश का प्रवाह होगा और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। ध्यान रखोगे इस बात को। तो मैंने क्या कहा है कि अगर आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉलिड फेज में है तो वो इंसुलेटर होगा, कुचालक होगा, और अगर आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको आपने मेल्ट कर दिया है या एक्वस सॉल्यूशन में ले आए हैं तो फिर वो चार्ज का फ्लो करेगा और उसके अंदर कंडक्टिविटी अराइज हो जाएगी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में आपको कुछ एक चीजें ध्यान रखनी है, और वो क्या कि क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह के होते हैं, उसमें से एक होता है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अभी भी गढ़ आयन्स होते हैं और वो कैटायन और एनायन होते हैं, जो कि दो अपोजिट चार्ज आयन है तो उनके बीच में हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनके अंदर जो है काफी कठोरता भी होती है, और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। हालांकि इसको बॉन्ड कहना या बॉन्ड की तरह लिखना ठीक नहीं होता, आप किसी भी क्रिस्टल को या तो ऐसे या कैटायन और एनायन की फॉर्म में ही लिखते हैं। चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो ये सॉलिड फेज में कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे, बट लिक्विड यानी मेल्ट फेज में या एक्वस फेज में ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो ये सवाल कई बार बोर्ड में पूछा जाता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो सॉलिड फेज में तो इंसुलेटर होते हैं, बट मेल्ट या फिर हम कहें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो होते हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो आप सिंपल जवाब दे सकते हैं कि अगर सॉलिड फेज में है तो आयंस का फ्रीली मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं हो सकता, और आयन फ्रीली मूव नहीं कर सकता तो फिर कंडक्टिविटी अराइज नहीं होगी। बट अगर इन मेल्ट फेज एंड एक्वस सॉल्यूशन आयंस आर रेडी टू फ्रीली मूव, यानी आयंस जो है वो फ्री मूव कर सकते हैं, इस वजह से कंडक्टिविटी अराइज हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर दो, मेटेलिक सॉलिड। किसके बारे में डिस्कस करते हैं, मेटेलिक सॉलिड। तो नंबर दो है मेटेलिक सॉलिड, यानी हिंदी में कहेंगे धात्विक ठोस। अब देखो मेटेलिक सॉलिड जो होता है ना उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो दरअसल क्या होते हैं, इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दरअसल कैटायन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, कैटायन और इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि आप जानते हैं कि कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा,
अगेन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इनके बीच में जो फोर्सेस होंगे वो कौन से होंगे, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ भी आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई देगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई देगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये चीज समझनी है, इस कैटायन के लिए हम लोग कई बार कर्नेल शब्द का भी इस्तेमाल कर देते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन शब्द भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन कर्नेल एंड कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन को ही दरअसल हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन यानी गतिशील इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब देखो कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, तो देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, और वो एग्जांपल क्या है कि मान लो जैसे हमारे पास सोडियम है, क्या है सोडियम, आप तो जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, तो फिर कॉन्फिग्रेशन क्या होगा बताओ, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, यही इसका कॉन्फिग्रेशन होगा। अब देखो इसका ये जो आउटर मोस्ट सेल है, ये वाला बाहर वाला 3s वाले की बात कर रहा हूं, तो इसका जो आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर वाला सेल है, इसे हम लोग वैलेंसी सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैलेंसी सेल। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है दरअसल वही इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, कोर इलेक्ट्रॉन होता है, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो पार्ट आपका कर्नेल होता है, क्या होता है, कर्नेल होता है। तो आप जरा ध्यान से देखें कि अगर मान लो सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, एलिमिनेट कर देता है, तो क्या क्या बनेगा, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन। अब ये जो Na प्लस है इस इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद यही तो बचेगा, तो ये जो Na प्लस है यही आपका क्या है, कर्नेल है, क्या है, कर्नेल है। और ये जो चूंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन। और अगर ये कोर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में जो आकर्षण है वो कौन सा आकर्षण है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमने यही तो कहा है कि भाई जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं ना उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वो भी किन किन के बीच में, इन बिटवीन कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन। कैटायन्स को हमने कर्नेल बोला है और इलेक्ट्रॉन को हमने कोर इलेक्ट्रॉन बोला है, और इस कोर इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है, यानी बाह्यतम कोश या बाह्यतम एनर्जी लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम नॉर्मली कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर कोर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो जो शेष बचता है वो कर्नेल बचता है। तो सोडियम जब अपने कोर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा तो Na+ बनाएगा, और वो Na+ कर्नेल कहलाएगा, और ये कोर इलेक्ट्रॉन है।
इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यानी आप इसको बहुत सरल तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो ये सोडियम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका पहला एनर्जी लेवल, ये उसका दूसरा एनर्जी लेवल और ये उसका तीसरा। आप देखो सोडियम के अंदर कितने एनर्जी लेवल दिखाई दे रहे हैं आपको, सोडियम के अंदर दरअसल आपको तीन एनर्जी लेवल दिखाई दे रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो हम बात करें कि यहाँ जो ये तीसरा वाला है एनर्जी लेवल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तीसरे में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में दो और छह आठ और पहले में दो। तो दूसरा जो एनर्जी लेवल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें आठ इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं आठ, ये आठ इलेक्ट्रॉन हो गए। सही है, तो दूसरा जो एनर्जी लेवल है उसमें हो गए आठ और जो पहला एनर्जी लेवल है उसमें कितने हो गए, दो। अब आप जरा सोचकर मुझे बताओ कि इस एटम के सरफेस पर यानी कोर पर यानी सतह पर कौन सा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इस एटम की सरफेस यही तो होगी, बोलो बात सही है कि नहीं है। और अगर यही सरफेस है तो सरफेस पर ये इलेक्ट्रॉन होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। और अगर ये सरफेस का इलेक्ट्रॉन है तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। तो आप ध्यान रखेंगे कि कोर इलेक्ट्रॉन बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है और कोई भी मेटल अपने क्रिस्टल में उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है तो उसे कोर इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट्स होता है वो कर्नेल होता है और दोनों के बीच में फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो ध्यान रखेंगे, अब मैंने कहा था कि इस कोर इलेक्ट्रॉन को हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं यानी गतिशील इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो देखो मेटेलिक क्रिस्टल जो होता है ना उसके अंदर बहुत सारे लाखों करोड़ों से भी ज़्यादा कोर इलेक्ट्रॉन्स फ्री पड़े हुए होते हैं और वो कोर इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं, उसी मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी अराइज होती है। आप तो जानते हैं कि मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के हाईली कंडक्टर होते हैं, किस वजह से, क्योंकि उनके अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, कोर इलेक्ट्रॉन होता है और वो कोर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, इसी वजह से इनके अंदर कंडक्टिविटी भी अराइज हो जाती है। तो मेटेलिक सॉलिड्स के भी रेस्पेक्ट में हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, देखो जरा, हम कह सकते हैं कि भाई धात्विक ठोस हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं इनके अंदर कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि स्थिर विद्युत आकर्षण बल जो होता है वो कैटायन और इलेक्ट्रॉन यानी कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, कोर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है और कर्नेल रिमेनिंग पार्ट्स होता है। तो जब सोडियम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो फिर शेष जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, कर्नेल, और कर्नेल और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो कोर इलेक्ट्रॉन है, ये मोबाइल होता है, मूव कर सकता है, इस वजह से जो मेटल्स होती हैं उनमें कंडक्टिविटी आती है। किसी भी मेटेलिक क्रिस्टल्स को हम लोग इस टाइप से भी देख सकते हैं कि मान लो कोई मेटल है तो मेटल में क्या होगा कि मेटल के जो एटम्स होते हैं वो अपने कोर इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं और सब कैटायन की फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये कैटायन है मेटल का, ये भी कैटायन है, ये भी क्या है, कैटायन, ऐसे बहुत सारे कैटायन होते हैं। चूँकि ये अपने कोर इलेक्ट्रॉन को निकाल चुके हैं तो वो कोर इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कहाँ होंगे, इस क्रिस्टल के अंदर ही होंगे। तो अब मान लो ये तो सारे हैं कैटायन और यहाँ बीच बीच में क्या पड़े हुए हैं, कोर इलेक्ट्रॉन, इस तरह से मान लो ये क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन्स। अब आप तो जानते ही हैं कि एक पार्टिकल पॉजिटिव है तो दूसरा पार्टिकल कौन सा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव पॉजिटिव पार्टिकल है तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन से, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से, यानी इन सभी कैटायनों का इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब अगर इस क्रिस्टल को हम लोग गौर से देखें, ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन का एक क्या है, तालाब या सागर बना हुआ है। देखो जरा,
आप इसको वाटर की तरह देखें कि भाई ये भी क्या है, वाटर्स के पार्टिकल्स है, ऐसे देखें, ये सब क्या है, वाटर के पार्टिकल है, मान लो इस तरह से, तो आपको फील होगा कि मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर क्या हो रहा है। मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर धनायन जो है, कैटायन जो है, वो वाटर के अंदर फ्लोटिंग कर रहे हैं, वाटर के अंदर तैर रहे हैं। इसलिए आयनिक क्रिस्टल को हम कैसे देखते हैं, आयनिक क्रिस्टल को हम धनायनों के ऐसे समूह के रूप में देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन के सागर में तैर रहा हो या डूबा हुआ पड़ा हो। यानी मेटेलिक क्रिस्टल को हम कैसे देख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का एक सागर है, उसमें बहुत सारे धनायन पड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग कई बार ऐसे भी कह देते हैं कि ये एक ग्रुप ऑफ कैटायन है। क्या है? ग्रुप ऑफ कैटायन, ठीक है, जो किसमें पड़ा हुआ है, ग्रुप ऑफ कैटायन इन सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के एक सागर में पड़ा हुआ धनायनों का क्या है, ग्रुप है। अब चूंकि आप तो देख ही रहे हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, इसलिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं बल्कि हीट के भी एक अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो मेटेलिक सॉलिड के बारे में याद रखेंगे कि इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन बिटवीन कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन, और कोर इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दरअसल कैसे होते हैं, हाई होते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।